हे प्रिंस, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं पठान मूवी के ऊपर। जो एक लड़की ने पठान मूवी देखकर अपना इस्लाम ये सच है या नहीं ये देखने वाले हैं हम वीडियो में। तो बहुत दिन से हमने वीडियो भी नहीं किए वो कॉपीराइट के इश्यूज की वजह से। तो देखते हैं वीडियो, चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम। अच्छा, तो आप निकाह करने जा रही हैं? नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर। जिनको भगवा रंग में बिक्री बड़ी अच्छी लग रही है ना, जाए और जाके बुरखा में अपनी बहन बीवियों का प्रदर्शन करे। अगर सुपर हुपर डिट ये चल जाए, है ना, ये खान गैंग चल जाए तो मेरा नाम बता देना। तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने रचा इतिहास, इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ओपनर बनी पठान। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस की कमाई के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पठान के रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान को मालामाल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियां भाई चैनल। दावा किया जा रहा है कि पठान फिल्म देखने के बाद इस लड़की ने इस्लाम अपनाया है और हरे कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि पठान फिल्म अब लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है जानते हैं इन्हीं की जुबानी, मगर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो अंधभक्त उंगली टेढ़ी करके घी निकालने की कोशिश कर रहे। जो लोग फिल्म देखने जा रहे हैं जबरदस्ती उन लोगों को फिल्म देखने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ हमारी घोड़ी मीडिया मोदी का सपोर्ट करते हुए और शाहरुख खान का सपोर्ट करते हुए दिख रही है। समझने वाली बात यह है कि बीबीसी की इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की तरह शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के साथ भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई और इस फिल्म को बीजेपी के विरोध का एक प्रतीक बना दिया गया और लोगों ने पठान को भी राजनीतिक रंग में रंग दिया। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग का भी नया रिकॉर्ड बनाया और बाहुबली 2 के बाद किसी भी फिल्म की 5,56,000 टिकटें एडवांस में बुक हुई हैं, ये नया रिकॉर्ड है। और इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो मुट्ठी भर हैं। हमारे देश में आम दर्शक जो है धर्म देखकर फिल्म देखने नहीं जाता और जो कट्टरपंथी लोग हैं जो इस तरह की फिल्मों का विरोध करते हैं वो न्यूज़ चैनल्स पर हेडलाइन बना सकते हैं, अखबारों में हेडलाइंस बना सकते हैं, लेकिन आज आपको ये पता चलेगा तो ये भी एक तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक जीत है। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग ये कहते हैं कि इस फिल्म को देखने का मतलब है कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं। ना बीजेपी ने ना सरकार ने कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इस फिल्म को नहीं देखना चाहिए या इस फिल्म को थिएटर तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो असल में मैटर ये है कि जैसे कि हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि उनके लीडर जो है फिल्मों के ऊपर टिप्पणी करने से बचे, जिसके बाद असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी फिल्म को प्रोटेक्शन देने का वादा किया था थिएटरों को। अब जिसके साथ बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी हो तो जाहिर सी बात है उन्हीं लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा घोड़ी मीडिया को। मगर अब यहाँ पर मसला एक बड़ा यह हो गया है कि घोड़ी मीडिया और अंधभक्तों के बीच में दरार आ गई और वो भी ऐसी दरार जिसने सभी को चौंका दिया है। जी हाँ, सुरेश चौहान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए कहा शाहरुख गैंग को आज एक्सपोज करेंगे। जितने स्क्रीन पर पठान लगी उसका 100% बुकिंग कैपेसिटी का टोटल एक दिन में 100 करोड़ होता ही नहीं। आज के बिंदास बोल में पठान की पोल खोल पार्ट दिखाएंगे। फ्लॉप हुई पठान बिंदास बोल। अगर से हम पर्दे के पीछे की बात करें तो बीजेपी और आरएसएस वाले एक स्टेज के ऊपर है, मगर इन अंधभक्तों को समझ में ये नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, किसके पीछे जाए। और ये वीडियो है एबीवीपी के स्टूडेंट यूनियन एहतजाज करते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ये लोग इसीलिए एहतजाज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने एसएफआई को जो है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने की परमिशन दे दी, जबकि इसी यूनिवर्सिटी में द कश्मीर फाइल्स को दिखाने की परमिशन नहीं दी गई। दोनों फिल्मों के अंदर काफ़ी फर्क है। पठान फिल्म के अंदर देशभक्ति बताई गई है तो दूसरी फिल्म के अंदर प्रोपेगेंडा बताया गया है। तो पठान फिल्म के ऊपर एक और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि पठान फिल्म जो है लव जिहाद को प्रमोट कर रही है। जी हाँ, हम ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कुछ घोड़ी मीडिया वाले अभी भी। जी हाँ, ये फैलाने वाले कोई और नहीं बल्कि सुदर्शन न्यूज़ के चैनल वाले हो सकते ही है। मुसलमानों से तो प्रेम है, मुसलमान इतना प्रेम क्यों मुसलमान? मेरे सारे दोस्त हैं मुसलमान, क्या पता मेरा कोई मुस्लिम नहीं। देखिए, मेरे को सब सही लगते हैं, सब इंसान है, वो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है सब। मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मैं मानती हूँ मेरे दोस्त हैं। आप लोगों में से भी कोई मुस्लिम होगा और क्या पता कोई चाहने वाला हो मेरा मुस्लिम। मुझे आपको पहले मतलब समझा देना चाहिए। लव जिहाद तब होता है जब लड़का अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी छुपा करके वो लव करता है, लेकिन अगर लड़का अपनी आइडेंटिटी बता करके लव करे, बताए कि मैं मुसलमान हूँ, तो फिर लव जिहाद क्या हुआ? अगर मुझे अगर मुझे नहीं कुछ पर्सनल क्वेश्चन में बताना नहीं जरूरी समझती अभी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई पसंद है तो उसमें आपको पत्ती क्या है? मतलब अब आप मेरे को इस पे भी रोक लगाएंगे कि मुझे मुसलमान को पसंद नहीं करना, मैं मुसलमान से दोस्ती नहीं करूँ, कैसा
थॉट प्रोसेस लेते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, किसी से भी निगाह कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहे हिंदुस्तान की खूबसूरती पहन पहन आपको जब करेंगे आपको आपको न्योता चला जाएगा। अच्छा तो आप निकाह करने जा रही हैं? नहीं नहीं, जब भी करेंगे आपको न्योता चला जाएगा, आना जरूर, बिल्कुल हम आपकी शादी में आएंगे। हाँ, लेकिन उसको लव जिहाद का नाम मत बोलना, वो लव जिहाद नहीं होगा अगर होगा, क्योंकि अगर आप किसी से खुद लेकिन मुसलमानों में एक रूल भी है, आपको मुसलमान भी बनना पड़ेगा, यानी कि आपको कलमा भी पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे आप कलमा? वक्त आएगा वो सब आपको पता लग जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम पे अपनी सारी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना इतना पसंद नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम बॉयफ्रेंड बनाएंगे आप, इसलिए आप कह रहे हैं कि शाहरुख खान का विरोध हुआ, इसलिए आप, अगर मुझे कोई पसंद है तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मेरे को किसके साथ मेरा अफेयर हो या कोई मेरा क्लोज हो, आप मुझे नहीं बताएंगे, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं एडल्ट हूँ, मेरे को जिससे बात करनी होगी मैं करूंगी। खान फिल्म देखकर जो है आपका पूरा माइंड सेट बदल गया एकदम, आप जो है मुसलमान से शादी करने के लिए तैयार? मैंने ऐसे नहीं बोला, देखिए आप अपने ना वर्ड्स को क्या कहीं लव जिहाद बढ़ाने का काम नहीं कर रही है, बिल्कुल भी नहीं करी। तो आइए देखते हैं फिल्म देखने के बाद पठान के फैंस का क्या रिएक्शन है। अब पठान से इंस्पायर है क्या? हाँ, ये मैंने जब से पठान की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब से मैं शाहरुख लॉकडाउन से तो मैं इसको देखा था, तो मैंने जब से बाल बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। झूमे जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, लव यू ब्रो, लव यू शाहरुख, लव यू सलमान, अमेजिंग, माइंड बॉगलिंग, मस्ट वॉच, never seen शाहरुख in such a form. पैसा वसूल, हजार रुपए दे सकता हूँ इस मूवी के लिए। अच्छा, पार्ट दिए मूवी ने seriously. So we're here for the first day, first show of शाहरुख खान's film पठान, and as you can see behind me, people are celebrating. आप इतनी जल्दी सुबह सुबह थिएटर में क्यों आए? पठान देख। सिर्फ शाहरुख खान के लिए, सिर्फ शाहरुख खान के लिए आए हम लोग, और किसी के लिए नहीं आए। शाहरुख खान इज द नेम ऑफ सेलिब्रेशन और फेस्टिवल, एज यू कैन से। अपना भाई 4 साल के बाद कमबैक हो रहा है, बोलो तो इससे बड़ी तो खुशी की बात है ही नहीं अपने लिए। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है ट्रेलर में से? शाहरुख का पूरी की पूरी पठानी फेवरेट है अपनी। आई एम हियर फॉर द एक्सपीरियंस शी ब्रॉट मी। शाहरुख खान, आई एम अ बिग फैन। हम सब साकी के बहुत बड़े फैन हैं, दैट्स व्हाई हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए, हमें तो पहले 2 शोज की टिकट नहीं मिल पाई, इसलिए हमने इस शो को देखा। सो आर यू अ ट्रू शाहरुख खान फैन? आई कैन से दैट आई एम अ ट्रू ब्लू शाहरुख खान फैन, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद हिम, आई हैव लिटरली टेकन अ डे ऑफ टुडे सो दैट आई कैन कम एंड वॉच दिस फर्स्ट डे फर्स्ट शो। लास्ट फिल्म गॉट रिलीज्ड आई थिंक 0 है ना, 4-4.5 साल पहले, तो ऑल एक्साइटमेंट, बैक इन एक्शन, और सबसे बड़ी फिल्म रिलीज हो रही है, 2023 की पहली फिल्म है। आई लव हिम सो मच, ही इज स्टनिंग। शाहरुख खान, शाहरुख खान, ओनली शाहरुख। और आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है ट्रेलर में से? अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने मेरे लिए क्या किया, वो ये पूछता है कि देश के लिए क्या कर सकते। अपने कुर्सी का पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। पार्टी पठान के घर में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही और पटाखे भी लाएगा। पठान जिंदा है, भारत माता की जय। एक नंबर डायलॉग तो इतना याद नहीं है लेकिन मूवी बहुत अच्छी। Anand just came here and I have to say the crowd ran towards him and congratulated him for the film that he's made. Thank you. So let's talk to some people who've just come out after watching the film. What do they think? What's the thing? 4 to 5. Out of 5. Full. 5 out of 5. Okay. King is back. 100. 10 out of 10. 4.5. 5 में से 5 जाएगा। क्या मूवी को? 100. पूरे जितना बोलो उतना स्टार देंगे। Out of 5, I will give a 4. 5 में से 5. पूरे 10 out of 10, we will give 100. 5 out of 5. Out of 5, I would give out of total 5, even out of that. 5 star. I'm going 5 out of 5. 4. For John, 5. 4. 5 star rating. सोशल मीडिया के ऊपर कुछ अनबस कह रहे हैं कि मुसलमान 26 जनवरी के दिन यानी रिपब्लिक डे के दिन कोई डीपी नहीं लगा रहे, कोई पोस्ट नहीं कर रहे, आखिर इसकी वजह क्या है बोल के।
वजह मैं आपको बताऊंगा एक पुरानी वीडियो क्लिप के जरिए। कपड़े फाड़ के, ये कपड़े फाड़ के हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल्ली में। हिंदुस्तान कहां पे बसता है? दिल्ली में। तिरंगे की इज्जत इस दिल में है, इस दिल में है, इस दिल से कोई निकाल नहीं सकता है, इस दिल से इस तिरंगे को कोई निकाल। वाओ, सच में मतलब कितने सारे लोग दीवाने होते हैं फिल्म के, और पठान तो हमने देखी है लेकिन इतना जोश नहीं है मुझे मतलब फिल्म के बारे में। अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में फिल्म की इतनी अहमियत है ही नहीं कि इतने हीरो के पीछे भागो। और रहा फिल्म देखने तक तो ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उस इतना दीवाना होना और उनकी तरह बाल बनाना, ये तो सच में पागलपन ही होगा। और इतना अगर आप भगवान को पूजेंगे तो साक्षात दर्शन दे देंगे वो, मुझे तो यही लगता है। लेकिन जिसके अपने अपनी भावनाएं होती है तो हीरो के प्रति या हीरोइन के प्रति, तो हीरोइन के प्रति तो नहीं, मेरे ख्याल से शाहरुख खान के लोग पहले से ही दीवाने हैं। हाँ। और मतलब पहली बार 10 साल में पहली बार एक ऐसी पिक्चर आई है जो रिकॉर्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। इसने तो शायद से KGF 2 का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हाँ। मैंने सुबह न्यूज में देखा था, और 5 दिन आज 5वां दिन है और 520 करोड़ रुपए की उसने वर्ल्ड वाइड कमाई भी की है। तो मेरे ख्याल से सच में रिकॉर्ड ब्रेक कमाई होगी। तो पठान तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से इसका शूटिंग चल रहा था, लॉकडाउन के समय भी शाहरुख खान ऐसे ही हेयर स्टाइल लेके, मतलब मुझे उस समय लगा कि कुछ तो होगा इनका, मतलब हीरो है तो ऐसे रखते हैं हेयर। लेकिन लोग कितना सेलिब्रेट करते हैं, मतलब गाना बजाना, ढोल बजाना, कितना सेलिब्रेट करते हैं फिल्म को। और ये ज़्यादातर मतलब वहाँ मुझे मतलब बच्चे तो दिखाई नहीं दिए, बच्चे तो होते ही नहीं है फिल्म देखने के लिए, लेकिन बूढ़े लोग या ऐसे कुछ तो दिखाई नहीं दिए। सभी जो जोश होता है वो नौजवानों को ही होता है, और वही थे वहाँ पर लड़के लड़कियाँ, सिर्फ वो ही थे और वही अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे। 5 स्टार पूछा तो उन्होंने 100 दे दिए, 200 दे दिए। आप सोच सकते हैं कि मतलब किस हद तक लोग दीवाने होते हैं फिल्म के, उसके कैरेक्टर के। हाँ, लेकिन हमने फिल्म देखी है, उसमें देशभक्ति पर जो मतलब फिल्म है, जो देश के लिए हम जो कुछ करते हैं, मतलब जो कुछ सोल्जर्स करते हैं उस एजेंट, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा वो टॉपिक। और बीच में जो सलमान खान की एंट्री हुई है, हाँ, टाइगर की, जो आया था पठान को बचाने, वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे फिल्म के मतलब ये सीन्स जो होते हैं इसके मतलब इसके बाजू में रखकर मुझे सिर्फ टॉपिक अच्छा लगता है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको इंस्पिरेशन देने वाला हो तो भी बहुत मज़ा आता है। जैसे कि ये देशभक्ति पर था, और जैसे कि ये तो फिल्म थी, ये हीरोज तो मतलब पर्दे के लिए है, मतलब बड़े पर्दे के लिए, लेकिन हमारे असली हीरोज जो है बॉर्डर पर, उन्हें सैल्यूट, क्योंकि वो बहुत ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं जो ये हम सिर्फ पर्दे पर देखते हैं, वहाँ रियल होती है। वो तो जो सैनिक है वो तो हीरोज है ही, हाँ, पर जो वो तो रियल हीरोज है, हाँ, पर जो एजेंट्स होते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं होता है कि कौन एजेंट है कौन, हाँ, नहीं सीक्रेट, वो, हाँ, सीक्रेट एजेंट, वो तो बहुत कुछ करते हैं देश के लिए, और जब मर जाते हैं उनको कोई याद भी नहीं रखता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं होता है कि वो क्या है, क्या थे और कौन था सीक्रेट एजेंट। और शाहरुख खान और सलमान खान एक दो ऐसे